अस्सलाम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपनी वीडियो की एसईओ किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ऐसी वैसे कुछ नहीं होती, ठीक है, एसईओ लेकिन होता है जो मैं आपको बताऊंगा। लोग कहते हैं ये एसईओ का कोर्स कर लो, ये कर लो, तीन चार से बातें जो आप समझ जाएंगे तो आपको एसईओ आ जाएगी, आपकी वीडियो अच्छी खासी रैंक हो जाएगी, आपको वीडियो पर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेंगे। तो करते हैं विदाउट टाइम के इसके वीडियो। मैं हूँ बशीर, आप देख रहे हैं मिस्टर हूँ बशीर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो कर लेते हैं आज की वीडियो शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपना टाइटल्स किस तरह दें। टाइटल देने के बेसिक तरीका ये है, जो आप वीडियो बना रहे हैं उसे आप यूट्यूब पर जाइए सर्च कीजिए, जैसा कि मैं बना रहा हूँ फेसबुक, मैं वहाँ पर लिखूँगा हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक, हाउ टू मेक अ फेसबुक। उसके बाद जो भी आपके नीचे आपके सामने जो भी नीचे रिजल्ट आएगा, उसके बाद नीचे जो भी आपको रिस्पॉन्स में दिए जाते हैं उन्हें आपने सब कॉपी कर लेना है, ठीक है, सबको। वो आप टैग्स में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर चेक करें टाइटल, ठीक है। मिसाल दे रही, मैंने चेक मैंने आपको पहले बताया मैं बना रहा हूँ फोटो क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट, किस तरह फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपने इतना टाइटल दिया, आपका टाइटल हो गया, ठीक है। अगर आप इसके टैग्स देना चाहते हो जो इसके नीचे रिस्पॉन्स में आ रहे हैं ना, नीचे आपको स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो ये आ रहे हैं इसे आपने नीचे अपने टैग्स में ऐड कर लेना, ठीक है। टाइटल हो गया, एंड में आपने वो पैम्प सा लगाते हैं, जो पैम्प लगाते हैं, ठीक, वो लगाकर अपने चैनल का नाम लिख लेना। अपने चैनल का लिखने का ये फायदा होगा आपका चैनल रैंक करेगा और भी आपको सब्सक्राइब उससे, और जो आपका चैनल रैंक करेगा जो भी कोई सर्च करेगा तो फर्स्ट बार में आपका चैनल आएगा और आपकी चैनल की ग्रोथ होगी अगर आप अपने हर वीडियो में एंड में अपने चैनल का नेम देते हैं, ठीक है। तो बेसिक ये चीज़ थी। दूसरी बात ये डिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं दोस्तों, लोग इतना डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, मैं तो हाथ बताएं इतने लिंक दे देते हैं दूसरी वीडियोस के, ये दरअसल गलत होता है। यूट्यूब की ये प्राइवेसी है, यूट्यूब की ये खिलाफ है, यूट्यूब के इतने ज़्यादा लिंक आप कभी मत दें, ज़्यादा लिंक अगर आप देंगे तो आपका भी काम ख़राब हो सकता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने ज़्यादा लिंक उसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करने, ओनली आपने कुछ तकरीबन एक दो लिंक दे सकते। अब जैसा कि सोशल मीडिया लिंक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और भी काफ़ी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने तीन पाँच दस पहले उसमें ऐड कर सकते हैं इजीली, पर जैसा कि मैं बना रहा हूँ हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक, हाउ टू मेक अ फेसबुक, आज इन दिस वीडियो इस तरह आपने इंग्लिश में लिखा, आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक किस तरह क्रिएट करते हैं और उर्दू हिंदी में सब कुछ डिटेल से ये बताना, ज़्यादा इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और उसमें एंड पर आपने कुछ हैश टैग यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा लोग क्या करते हैं बहुत सारे हैश टैग यूज़ कर लेते हैं, आपको यूज़ करने हैं सिर्फ ओनली चार या तीन ओनली, जैसा कि मैं बता रहा हूँ हैश टैग आपको किस तरह हाउ टू मेक फेसबुक, ये दिखते आपने स्पेस के बगैर देना है, स्पेस दरमियान में नहीं देना, बिल्कुल स्पेस नहीं देना, आपने शुरू में हैश टैग लगा कर हो टू मेक फेसबुक, हो टू क्रिएट फेसबुक ऐप भी क्रिएट, ये कुछ इस तरह से आपने ये तीन चार दे लेने इजीली। और इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, ठीक है दोस्तों, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया, इसे एसईओ कहते हैं। लेकिन सर्च करके पहले सर्च करना है, आपने टॉपिक सर्च कर लें जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, जिसकी रैंकिंग ज़्यादा हो वो आपने हैश टैग में यूज़ कर लेना है, और आप जैसा कि टैग्स में भी इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि लोग कहते हैं यार एसईओ करें ये करो वगैरह, यही बातें होती हैं, बस आप यूट्यूब पर अपना टॉपिक सर्च करें, उसकी रिलेटेड जो आपको टैग्स वीडियोस मिल जाती है उनको आप टाइटल बना दिया, वीडियोस का टाइटल कॉपी कर उनमें चेंजिंग कर सकते हैं आप, जो बहुत ज़्यादा जिस पर व्यूज़ आए उसका टाइटल कॉपी कर सकते हैं आप, उसमें चेंजिंग कर दें, एंड में अपना चैनल का नेम बता दें, थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, और क्या होगा उसी वीडियो के आप हैश टैग वगैरह और उसके टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, उसमें ये बेनिफिट आपको मिलेगा जब भी उसकी वीडियो रैंक करेगी सर्च में आएगी ना, तो दूसरी वीडियो आप नीचे जो वीडियोज आएगी उसका अगर आप उससे बेहतर थंबनेल बना लेते हो ना, जो वीडियो जिस वीडियो का आपका सब कुछ आपने कॉपी किया उससे बेहतर अगर आप थंबनेल बनाते हैं, मेन चीज़ होती है थंबनेल, इसकी वीडियो से हमारी वीडियो पर व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस पर अच्छा खासा थंबनेल अच्छा बना देंगे उस वीडियो से बेहतर जो पहले जिसका आपने टाइटल कॉपी किया उस बंदे से अच्छा अगर आप थंबनेल बनाया है आपने, तो आपकी वीडियो पर दोबारा व्यूज़ आएंगे, क्या जब एक बार उसने वीडियो देखनी है उसके बाद आपकी वीडियो देख कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात यहाँ पर रही आपको, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो पसंद तो आई होगी दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो एक भी मेरा लाइक बनता है दोस्तों, एक लाइक करके जाना आपका बहुत बहुत शुक्र, इसमें मेरा हौसला अफजाइश होगा, मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको पसंद आएंगी, उम्मीद करता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस, मैंने एक चैनल सेल कर दिया, मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, वो मैंने सेल कर दिया, बस मैंने सोचा सेल कर देता हूँ, दिल्ली किसी ने मेरे कज़न था उसने मुझे बोला यार मुझे दे दो, मैंने कहा उसे बहुत शौक था, मुझे भी बहुत शौक था यूट्यूब पर, लेकिन उसने मैंने उसे दे दिया, वो मेरा चैनल ग्रोथ मोटर ऑन हो चुकी है उस चैनल पर, ठीक है, मैंने उसे सेल कर दिया। अब मैंने ये न्यू क्रिएट किया, इंशाल्लाह बहुत आपके अगर मेरी इसी तरह आप मेरे साथ रहेंगे तो उम्मीद है आप बहुत जल्दी ग्रो करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।